साथी हूँ। गायब पढ़ते समय अगर हमें ये पता हो कि ये हमारी रोजाना की जिंदगी में कहाँ प्रयोग होता है तो हम इसे मजे से पढ़ भी सकते हैं और हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है। हमारी कक्षा आपकी पुस्तक में एक पाठ है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है यही सोच रहे हो ना तुम लोग? जहाँ तक मुझे मालूम है समुच्चय समूहों पर आधारित होता है। समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जानवरों का समूह, किताबों का समूह, या तुम लोग अगर इकट्ठा बैठे हुए हो तो तुम भी एक समूह ही हो। अब हम इसे अच्छे ढंग से समझते हैं। हम लोग समूहों पर आधारित गणित पर चर्चा करेंगे। अब तक हम लोग अंकों पर आधारित गणित पढ़ते रहे हैं। अंकों में आधारित गणित पर साधा गुणा, जोड़, घटाना, भाग करना, वर्गमूल करना आदि हुआ करता था। समूहों पर आधारित गणित में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। समूह कौन कौन से हो सकते हैं इस पे हमें विचार करना है। जैसे समूह हो सकते हैं हमारे अंकों का समूह, जैसे यहाँ पर हमने 1 से 7 तक संख्याओं का अंकों का समूह लिया है। ये अंकों के समूह हम 1 से 7 से अधिक भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अंकों के समूह हम 1 से 10 तक भी ले सकते हैं, 100 तक भी ले सकते हैं, 1000 तक भी ले सकते हैं, उससे अधिक भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, यहाँ पर हमने लिया है ABCDEFGHIJKLMNO तक। हम चाहें तो अंग्रेजी वर्णमाला के कम अक्षरों का समूह भी ले सकते हैं, इससे अधिक अक्षरों का भी समूह ले सकते हैं, और बहुत कम यानी 1 और 2 अक्षरों का समूह भी ले सकते हैं। यहाँ पर ज्यामिति आकृतियों का समूह लिया गया है। यहाँ हमने त्रिभुज लिया है, वृत्त लिया है, आयत लिया है, समांतर चतुर्भुज लिया है और वर्ग लिया है। इनके अलावा भी हम ज्यामिति आकृतियां ले सकते हैं, जैसे समचतुर्भुज, अष्टभुज, पंचभुज आदि। घरेलू वस्तुओं का समूह, इसमें हमने अलमारी लिया है, बक्सा लिया है, छाता लिया है, घड़ा लिया है, चारपाई लिया। इनके अलावा भी हम घरेलू वस्तुओं को ले सकते हैं, जैसे फ्रिज ले लें, टीवी ले लें आदि। जो भी हम घरेलू वस्तुएं लेना चाहें ले सकते हैं, उससे कम घरेलू वस्तुएं भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर खेल के सामान का समूह लिया गया है। यहाँ पर हमने बैडमिंटन का रैकेट लिया है, चिड़िया लिया है, हॉकी लिया है, फुटबॉल लिया है और बैट लिया है। इसके अलावा भी खेल की अन्य वस्तुएं हम ले सकते हैं। फलों का समूह, फलों के समूह में हम ध्यान रखेंगे कि विभिन्न प्रकार के एक एक फल लेंगे, एक ही प्रकार के अलग अलग फल का, एक ही प्रकार के फलों का समूह नहीं लेंगे। जानवरों का समूह, जानवरों के समूह में भी इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जानवर अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। स्पष्ट यह हुआ यहाँ से हमें इन समूहों को देख करके ऐसा लगा कि यदि कोई भी समूह भलीभांति परिभाषित है और साथ ही साथ भिन्न है तो उस समूह को हम समुच्चय कहेंगे। अमृति आकृतियां होती हैं रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, समांतर चतुर्भुज आदि। अन्य भी ज्यामिति आकृतियां हम ले सकते हैं, जैसे पंचभुज, छठभुज, अष्टभुज आदि। सर्वप्रथम हम ज्यामिति आकृतियों को निम्न प्रकार से क्रम से लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और समांतर चतुर्भुज। इन ज्यामिति आकृतियों को लिखने के पश्चात इनके मध्य में हम अर्धविराम लगा देते हैं। अर्धविराम लगाने के पश्चात, ये अर्धविराम यहाँ दिखाए गए हैं, अर्धविराम लगाने के बाद जब इन्हें हम मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये ज्यामिति आकृतियों का समुच्चय बन जाता है। समुच्चय में हमेशा मझले कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं 4 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 4 प्राकृतिक संख्याएं निम्न होती हैं 1, 2, 3, 4। अगर हम चाहें तो प्राकृतिक संख्याएं और भी ले सकते हैं, 12, 13, 14, 15 ले लें, कोई भी 4 प्राकृतिक संख्याएं ले लें, 18, 19, 20, 21 ले लें। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम क्रम से लिख लेते हैं। क्रम से लिखने के पश्चात बाद इनके मध्य में अर्ध विराम लगा देते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। अर्ध विराम लगाने के बाद इन्हें मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। मझले कोष्ठक में बंद करने के पश्चात ये 4 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब हम लिखने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनको क्रम से लिखने के पश्चात इनके मध्य में अर्ध विराम लगा देते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं यहाँ पर। अर्ध विराम लगाने के पश्चात इनके बीच में मझला कोष्ठक लगा देते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया।
अब हम चर्चा करेंगे आगे चल करके कि जिन वस्तुओं का समूह समुच्चय होता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम देखा उनके मन में कुछ प्रश्न उठे, अब प्रस्तुत है वो प्रश्न और फिर उनके उत्तर। एक प्रश्न तो मेरा भी है कि क्या परिवार के सभी बच्चों का समूह भी समुच्चय होता है? देखिए, परिवार के सभी बच्चों का समूह भली भांति परिभाषित नहीं है। थोड़ा सा सुधार कर लो कि देश के राष्ट्रपति के परिवार के सभी बच्चों का समुच्चय, या हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के सभी बच्चों के समुच्चय, इस तरह से इसको थोड़ा भली भांति परिभाषित कर लो तो परिवार के समूह के बच्चों के समूह जो है वो समुच्चय है। लेकिन अगर परिवार परिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। क्या पक्षियों का भी समूह होता है? क्या गणित में पहाड़ों का भी समूह होता है? पक्षियों का समूह तो होता है, लेकिन पक्षियों का समूह समुच्चय है अथवा नहीं है ये विचारणीय प्रश्न है। तो पक्षियों का समूह जो है वो समुच्चय है, लेकिन जो समूह हम लेंगे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी होने चाहिए, एक ही प्रकार के सारे पक्षी नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका है कि पहाड़ों का समूह होता है, पहाड़ों का समूह तो होगा, लेकिन पहाड़ों का समूह समुच्चय है अथवा नहीं, तो पहाड़ों का हिंदी के गणित के पहाड़ों का समूह जो है वो समुच्चय नहीं है। लेकिन किसी एक अंक के पहाड़े में जो विभिन्न अंक आते हैं, जैसे दो के पहाड़े में दो चार छह आते हैं, इनका अगर समूह आप लेंगे तो समुच्चय होगा। क्या प्राकृतिक अंक ही समूह होते हैं? देखिये, प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह समुच्चय है या नहीं ये विचारणीय प्रश्न है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक अंकों का समूह समुच्चय होता है, लेकिन प्राकृतिक अंकों के अलावा भी अनेक प्रकार कई प्रकार के अंक हैं। वास्तविक अंक हैं, धन पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इन सभी का समूह जो है वो समुच्चय होता है। परंतु समूह में भिन्न भिन्न तत्व होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे दो 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 तीन चार बार ले लें, ऐसा नहीं है। कोई भी समूह का अवयव या सदस्य रिपीटेड, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए, उनमें प्रत्येक सदस्य भिन्न होना चाहिए, तो वो समूह हमेशा समुच्चय होगा। क्या अंग्रेजी अक्षरों में ए ई आई ओ यू ही स्वरों के समूह हैं या और भी? देखिए, प्रश्न होना चाहिए कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ही स्वर हैं? वैसे तो ये अंग्रेजी का प्रश्न है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ही स्वर हैं। अब हुई समूह की बात, तो स्वरों का अगर समूह लेंगे तो उसमें केवल ए ई आई ओ यू ही लिया जाएंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी अक्षरों को ले लें, लेकिन वो स्पेसिफाइड होने चाहिए, उनको वास्तव में बतलाना चाहिए कि कौन से स्वर हम ले रहे हैं, और प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी और कितने भी अक्षरों को जो समूह लेंगे हम, वो हमेशा समुच्चय होगा। क्या समुच्चय किसी भी प्रकार की वस्तु के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? समुच्चय किसी भी प्रकार के वस्तु के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता। समुच्चय जो है किसी भी प्रकार की वस्तु के समूह के लिए प्रयोग किया, समूह शब्द जरूर आना चाहिए, क्योंकि समुच्चय समूह का प्रतिनिधित्व करता है, समूह को दर्शाता है, समूह को बताता है। तो किसी भी प्रकार की वस्तु का समूह अगर है तो वो समुच्चय होगा। हिंदी के अक्षरों में का खा गा घा का भी समूह होता है? का खा गा में समूह तो होता है, लेकिन हिंदी के अक्षरों या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का खा गा का समूह जो है ये समुच्चय होता है। समुच्चय को प्रस्तुत करने की विधि क्या है? समुच्चय जो है ये समूह है, तो समूह जिन चीजों का है उनको हम क्रम से लिख लेते हैं। लिखने के बाद उनके मध्य में उनको भिन्न भिन्न दर्शाने के लिए अर्धविराम लगा देते हैं। अर्धविराम लगाने के पश्चात उनको मछली कोष्ठक में बंद करने से वस्तुओं के समूह का समुच्चय प्राप्त हो जाता है। क्या समुच्चय को प्रदर्शित करते समय अगर अर्धविराम का प्रयोग ना किया जाए तो क्या वह गलत हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। समुच्चय को प्रदर्शित करने में जिन वस्तुओं का ये समूह है उनके बीच में, उनके मध्य में अगर अर्धविराम नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि अर्धविराम दो सदस्यों के भिन्न भिन्न होने का प्रदर्शन करता है। अर्धविराम लगाना बहुत अनिवार्य है। तो इस तरह समुच्चय के समूह पर केवल दो बातों का ध्यान रखते हैं कि वो भली भांति परिभाषित है कि या नहीं, और उनके जो भी समूह के सदस्य हैं वो परस्पर भिन्न हैं अथवा नहीं।